नमस्कार, मैं हूँ प्रतीक्षा वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी। तो चलिए रुक करते हैं प्रदेश की बड़ी खबरों का। भारत चीन सीमा पर हिंसक झड़प के बाद पूरे देश में चीन का विरोध हो रहा है। लोग चीन में बने उत्पादों का बहिष्कार कर रहे हैं। इसी क्रम में यूपीएसटीएफ ने अपने कर्मचारियों को 52 चीनी मोबाइल ऐप को फोन से तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। एसटीएफ के आईजी अमिताभ यश ने लिस्ट जारी कर कहा है कि ये 52 चीनी ऐप्स जिनके उपयोग से डेटा चोरी हो सकता है। बता दें, इसके पहले गृह मंत्रालय ने भी इन 52 ऐप्स का इस्तेमाल ना करने की सलाह दी थी। इस निर्देश के बाद टिकटॉक, यूसी ब्राउजर, शेयर इट, हेलो समेत 52 चाइनीज ऐप मोबाइल से हटाए जाएंगे। दरअसल जवानों की शहादत के बाद जनता का चीन के प्रति गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है और लोग चीनी उत्पादों का बहिष्कार करने की अपील कर रहे हैं। देश के अलग अलग शहरों में चीन के उत्पादों का बहिष्कार किया जा रहा है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया 24/7 लाइव टीवी। नमस्कार।